ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कौशाम्बी से, जहां सड़क दुर्घटना में 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर ही रखकर चक्का जाम कर दिया है। जी हां, ये खबर आ रही है कौशाम्बी से, जहां पैदल घर की तरफ आ रहे विद्युत व्यक्ति की कार सवार ने मारकर जान ले ली और उसी के बाद उस दुर्घटना में 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की जान चली गई। उसके बाद उनके परिवार ने वहीं पर शव रखकर और चक्का जाम कर दिया है। 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति सुभाष चंद्र द्विवेदी के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। मुकदमा नहीं लिखे जाने के आक्रोशित ग्रामीणों ने लाश को सड़क पर ही रखकर चक्का जाम कर दिया है और काफी समझाने बुझाने के बाद भी धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाना खत्म नहीं किया गया। उसके बाद इतना पुलिस ने आई और प्रशासन की वजह से जो समझाया गया उसके बाद ये खत्म किया गया और चक्का जाम करने के बाद पूरा मामला दर्ज कर लिया गया है। ये मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र के कैलाशपुर चौराहे पर किया जा रहा था और वहीं पर चक्का जाम भी किया गया। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कौशाम्बी से, जहां 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की जान जाने के बाद परिजनों ने वहीं सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया था।